मैं भी कर लेता हूँ, बहुत दिन हो गए, बहुत देर हो गई भाषण देते देते। प्रणाम। आज के 5 साल पहले अचानक मेरे दाढ़ में दर्द हुआ था, तो मुझे लगा कि शायद हो सकता दाढ़ का है, लेकिन वो इतना असहनीय दर्द था, तो उसके लिए जब पालन चला तब मुझे पता चला कोई ट्राइजोमल निरेजिया करके कोई बीमारी है, उसके कारण ही दर्द हो रहा है। इसके लिए मैं दिल्ली भी गया, एम्स गया, जयपुर गया, सब जगह दिखाया, सबने कोई भी ऐसा कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया, और अचानक इतना असहनीय दर्द होता था कि अनायास ही आंसू आ जाते थे। फिर मैं किसी के कारण सामने मैंने कहा कि आप पतंजलि आएँ, तो आज के 4 साल पहले मैं योगराम आया। योगराम आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे मुझे न्यूरोगेट और इसका जो बताया, नियमित रूप से यहाँ से जाने के बाद मैंने कोटा में जाके सुबह 4 बजे उठ के नियमित रूप से मैंने ये योग करना, जो इतने भी आप लोगों ने काढ़े बताए थे, क्वाद लेना, ये नियमित रूप से मैंने वहाँ पर प्रारंभ किया। और साथ ही अगले साल आके लीज थेरेपी कराई। लीज कराने से जो मेरे यहाँ था नमनेस थी, वो भी नियमनेस में एकदम फ़र्क पड़ा, और पिछले 4 साल में एक भी बार अब ऐसा नहीं हुआ कि मुझे वो दर्द दोबारा उठा। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, आपका सम्मान। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि एक हमारा कोटा में समाज का स्कूल भी चलता है, वहाँ चलने के बाद मैंने इतना प्रभावित हुआ कि यहाँ से लगातार वहाँ पे अब योगा टीचर वहाँ पे चालू कर दिया है, वो स्कूल में योगा प्रारंभ कर दिया नियमित रूप से, और पिछले 4 साल से कोई दवाई मैंने नहीं खाई, और जब वो साइड वो वाली दवाई खाता था तो इतने साइड इफ़ेक्ट थे, पूरे टाइम मैं सोता ही रहता था, डिप्रेशन आ गया था। लेकिन आपका बहुत आभार कि आपके कारण मैं आज इस बीमारी से मैं मुक्त हो पाया। इतने रोग आ जाते हैं उससे आदमी डिप्रेस हो जाता है। स्वामी जी प्रणाम। इनके जो दर्द था ना वो तो सोच ही नहीं सकते थे, ये डिप्रेशन में आ गए। आप इनके धर्म पत्नी है। इनकी आंखें लाल रहती थी और इतने एक्टिव होने के बाद सब छूट गया था, सिर्फ लेटे रहते थे, बातें बंद हो गई थी, किसी से बात नहीं करते थे, अपने आप में चुप रहते थे। ये दर्द तो असह्य वेदना। टोटल 2 साल तक यही रहा। फिर जब पतंजलि आने के बाद ये सारे ट्रीटमेंट लेने के बाद आज 3 साल हो गए हैं, 4 साल हमने एक एलोपैथिक दवाई नहीं खाई। और हमारी परिवार फैमिली का है, की सोच बदल गई, पूरी दिनचर्या बदल गई, जीवन शैली बदल गई, परिवार जॉइंट फैमिली है, 25-30 जने हैं। अब सारे हमसे ही आके पूछते हैं कि एलोपैथिक लेने के बाद जब वो ठीक नहीं हो पाते हैं तो आके पूछते हैं कि कौन सी दवाई खाने बताइए भैया, और अब सब फॉलो करने लगे। आयुर्वेदिक का तो पूरा स्टोर है सारा खाने की चीजों से लेकर के मल्टीग्रेन, सारा आटा दाल चावल घी तेल दवा सब, यज्ञ की थेरेपी सारी चीजें, एक एक साबुन शैम्पू में रीजेनरेस यूज करती थी, जो मैंने पतंजलि का एंटी एजिंग क्रीम चालू कर दिया, सारी चीजें वही, मतलब कुछ भी दूसरी। ये बात अब इन जो यो विदेशी सबसे बड़ी बात गुरुजी, हमारा जॉइंट फैमिली है, 25 मेंबर हैं। जिस समय कोरोना एकदम पीक पे था, पूरे घर में से हम 2 जने ही थे जो हम लोगों को बुखार भी नहीं हुआ, और सब लोगों के साथ में रहे इसमें। आज ये लाइव एग्जांपल है कोरोना के, तो हम 3 साल से बुखार भी नहीं आया। ये अच्छी बात। एक बात और बताता हूँ, ऐसे जो संयुक्त परिवारों में रहते हैं उनके लिए जोरदार ताली बजाओ। इसके लिए उदार दिल चाहिए, प्रेम चाहिए, करुणा चाहिए, इसके लिए संस्कार चाहिए, और ये जरूरत है इस समय की। मिलजुल करके रहो।